अपनो गुड़गांव, आपका अपना ऑनलाइन चैनल। आज की हेडलाइंस। गुरुग्राम में अब कोविड मामलों की निगरानी खुद मुख्यमंत्री करेंगे। हरियाणा के बाकी जिलों में अलग अलग मंत्री मॉनिटरिंग करेंगे। हरियाणा में शुरू हो सकता है 3 में से 18 साल से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन कराना। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन, पहले जैसे ही रहेगी पाबंदियाँ। कक्षा 10वीं का रिजल्ट 20 जून को घोषित किया जाएगा। ओडिशा से आई ऑक्सीजन की प्राथमिकता सबसे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत जिलों को दी जाएगी। गुरुग्राम में कोरोना से मचे हाहाकार पर काबू पाने को खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कमाल संभाल ली है। रविवार को मुख्यमंत्री शहर में होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव TC गुप्ता गुरुग्राम पहुंच चुके हैं। GMDA के CEO सुधीर राजपाल को व्यवस्थाओं की निगरानी का जिम्मा दिया गया। शायद इस व्यवस्था के बाद अब हाथ पर हाथ धरे बैठे प्रशासनिक अधिकारी भी हरकत में आ जाए। TC गुप्ता और सुधीर राजपाल दोनों ही बेहतर प्रशासनिक अधिकारी। दोनों ही अधिकारी गुरुग्राम के उपायुक्त भी रह चुके। आज से ऑक्सीजन आवंटन उन स्थानों के लिए सख्ती से किया जाएगा जो इन फॉर्म को भरेंगे। अपूर्ण फॉर्म को अस्वीकार कर दिया जाएगा। संदेह के मामले COVID-19 gurugram@gmail.com पर अपने संपर्क नंबर के साथ एक संदेश छोड़े और हम जवाब देंगे। यश गर्ग, DC गुरुग्राम। उड़ीसा से ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेन हरियाणा में पहुंच गई है। आवश्यकता व मांग के अनुसार अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। सबसे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व NCR के अन्य प्रभावित जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये कहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। CBSE ने COVID-19 महामारी की स्थिति के बीच रद्द की गई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकन के लिए नीति की घोषणा की है। प्रत्येक विषय में इंटरनल असेसमेंट के 20 अंक हो, जबकि बाकी 80 अंक साल भर में हुए। विभिन्न परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे रिजल्ट। 20 जून को घोषित किया जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। अपनो गुड़गांव, आपका अपना ऑनलाइन चैनल।